सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप लोग किसी भी सेलिब्रिटीज के साथ किस प्रकार से अपने फोटो को एडिटिंग कर सकते हो, जो कि आप लोग तो समझ ही सकते हो कि गाइज, मतलब कि आप लोग मान के चलो कि आप लोग विलेज से बिलोंग करते हो और सेलिब्रिटीज देश प्रदेश शहर या फिर और भी जगह से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ जाकर सेल्फी एक सेल्फी के लेना या फिर ऑटोग्राफ्स लेना या फिर साथ में भी अगर कोई मिल जाए तो भीड़ भाड़ में मतलब सेल्फी नहीं ले पाते हैं। ये काफ़ी दिक्कत से प्रॉब्लम्स हर कोई लोगों को होता है और हर कोई लोगों का ख्वाहिश भी होता है कि भाई मेरे साथ किसी सेलिब्रिटीज़ का सेल्फी के साथ फ़ोटो रहे, या फिर और भी बहुत लोगों का च्वाइस भी होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में अगर आप फोटो एडिटर हो या फिर फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में बढ़िया तरीके से बताने वाले हैं कि आप लोग किसी भी सेलिब्रिटीज़ के साथ किस प्रकार से फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो, जो कि कोई भी बंदा देखेगा तो गाइज कहेगा कि हाँ, ये बंदा सच में उसके साथ लिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो को इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी वीडियो को ध्यान से देखना। और एक बात गाइस ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना ज़बरदस्त फोटो एडिटिंग लेकर आते रहता हूं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैंने जो MCS 10 के साथ मैंने फोटो एडिटिंग किया है वो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले गाइस, तो आपको एक ओरिजिनल पिक ले लेना है, जो कि आप देख सकते हो मेरे जगह पे कोई दूसरा बंदा है तो उसके साथ किस प्रकार से सेल्फी ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इस प्रकार का पिक ले लेना है, जो कि अगर आप लोगों के पास नहीं है या फिर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको पहले आपको करना क्या है, इसको लेकर जाना है पिक्सआर्ट के अंदर। पिक्सआर्ट के अंदर लेकर चलते हैं। सो हम पिक्सआर्ट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको ऊपर के तरफ में एक टूल्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको एंटर कर ही लेना है। और इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिसाइज वाला ऑप्शन, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है, तो इस पर आपको एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रिसाइज तो बहुत लोगों को करने आता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं है उसको बता देते हैं। आपको यहाँ पे 5000 लिखना है। जैसे ही डन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिसाइज वाले ऑप्शन पे नीचे आपको एक मार्क पिक्सल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि 3198 लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको भी लिख देना है, रिसाइज कर देंगे। सो गाइज, ये मेरा रिसाइज हो चुका है, अब इसमें क्या करना है। सो रिसाइज करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऐड फोटो वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप एक फ़ोटो ऐड कर लेना है, जो कि मैं दिखा देता हूँ कौन सा फ़ोटो आपको इमेज लेना है। सो हम पिक लेकर आ चुके हैं। इसमें आपको क्या करना है, क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस फोटो को आप लोग ध्यान से देखो। आप इसमें देखो कि जो इस प्रकार में इस फोटो में सेल्फी टाइप का लग रहा है, उसी प्रकार से हमने भी सेल्फी टाइप में फ़ोटो लिया है, तो इस प्रकार से आप लोगों को पोज ले लेना है। एंड जिस एंगल में है गाइज, उसी एंगल में लेना है। तो इस मेरा उल्टा साइड है, तो इसको हम सीधा करने के लिए करना क्या है, इसमें हम रोटेट कर लेंगे। अब इस प्रकार का इस साइज में, अब इस साइड में हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे तो हमको ऐसे तो ऐड होगा नहीं, तो इसके लिए हम पहले तो कट कर लेंगे इसको। किस प्रकार से कट करना है वो आप लोग यहाँ पे देख लो, इसको जूम करके इस प्रकार से। एंड यहाँ पे जो ऐसे करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो पिक है यहाँ पे इरेज हो जाएगा। सो इरेज करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपको सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद कुछ कुछ पार्ट्स अच्छे से नहीं हुआ है, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग बढ़िया तरीके से आप लोग कर सकते हो, आप लोग तो मेरे से भी खतरनाक एडिटर हो ही। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये तो मेरा हो चुका है। अब इसमें करना क्या है वो आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको जूम करके इस प्रकार से लगाना है। इस प्रकार से अच्छे तरीके से लगा कर आपको करना क्या है, यहाँ पर ऊपर जो आपको यहाँ पे इरेज वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसी में फिर से चले जाएंगे। एंड इरेज वाले ऑप्शन के हार्डनेस को इंक्रीज़ करके थोड़ा सा इंक्रीज़, मतलब थोड़ा सा छोड़ देना है, 97 के आसपास रख देना है। और यहाँ पे करना क्या है, ये जो पार्ट है ना आपका, इसमें आपका अंडर में चला जाएगा और सेलिब्रिटीज़ का MCS 10 का फ़ोटो आगे की तरफ आ जाएगा, तो इससे कि आप लोगों का मतलब लगेगा कि हाँ गाइस सच में है।
तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। एंड छोटे छोटे पार्ट्स को जब क्लियर करोगे तो अभी आपका फ़ोटो खतरनाक एंड डेंजर होगा। तो देख सकते हो इस प्रकार से आप लोग कर लेना है। अब इतना करने के बाद आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये हो चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद उतना भी मेरा खास नहीं हुआ है। अब जो इसमें मैं करने वाला हूँ वो आप लोग ध्यान से देखो। आपको ऊपर जाना है, ऊपर के तरफ में आपको क्रॉप वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पे एक स्ट्रेच वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें जाना है और स्ट्रेच वाले ऑप्शन को ना इंक्रीज करके और जूम करके इस प्रकार से आप लोगों को बॉडी में जो हेयर है वो ऊपर की तरफ चला गया था, तो इसको मैं नीचे भी ला सकता हूँ, इस प्रकार से ला सकते हो। और लाने के बाद आपको करना क्या है, अच्छे तरीके से लाना है। मैं उतना ध्यान से नहीं किया हूँ, आप लोग कर सकते हो तो इस प्रकार से ला सकते हो। अब यहाँ पे आप करना क्या है, अब गाइस ध्यान से देखो, सेव कर देना है। और मेरा जो इन दोनों का बीच में जो ये वाला जो पार्ट है, बीच का पार्ट है, इसमें जो थोड़ा शैडो भी क्रिएट करना होगा, जिससे कि मतलब कि जब आप कहीं पे बैठोगे तो वहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखना कि वहाँ पे थोड़ा सा शैडो क्रिएट होने लगता है, तो उस प्रकार से यहाँ पे भी कर लेना है। तो इसको हम पूरी तरह से कर देते हैं, पूरा सेटअप करने के बाद यहाँ पे पूरा इरेज कर देंगे, पूरा इंक्रीज करके इरेज कर देंगे। और इरेज करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो हार्डनेस वाला ऑप्शन है इसको कम कर देना है, और ओपिसिटी को 50% करके और साइज़ को छोटा कर देना है, और कलर वाले में जाकर इस प्रकार से जूम करके इस प्रकार से करना है। सो आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और इतना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना ख़तरनाक लग रहा है। और यहाँ से आपको करना क्या है, सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद कितना ज़बरदस्त टाइप का लग रहा है, अगर आप लोग देख सकते हो फेस में मेरा फेस रेड है, उनका फेस येलो है, तो इसको मैचिंग करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसमें जाना है। और सेचुरेशन में यहाँ पे देख सकते हो सेचुरेशन है, ह्यू है, तो हमको ह्यू में जाना है। और ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरह इंक्रीज करेंगे, 6 ले जाना है, और ऊपर जो इरेज वाला ऑप्शन है इसमें जाकर इसमें ये वाला जो फेस है पूरा इरेज कर देना है, और कलर कर देंगे अपने फेस पे कलर कर देंगे, जिससे कि मेरा फेस थोड़ा येलो टाइप का हो जाएगा तो मैच करेगा। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है। अब यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देख सकते हो कितना ख़तरनाक लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। अब सेव कर देना है। अब देख सकते हो कितना ज़बरदस्त टाइप का लग रहा है। आप लोग भी ऐसा फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो, अगर विदाउट देख सकते हो गाइज, पीछे जो मेरा फ़ोटो लग रहा है, जो पहले से जो बंदा खिंचवाया उनका लग रहा है, तो इसके लिए आप लोग पीछे वाले जो पार्ट को हीलिंग भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो, तो उसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हो। बाकी बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बम्पर खतरनाक फ़ोटो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए।